हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बिहार विधानसभा की तरफ से सचिवालय के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है। ओवरऑल 4 पोस्ट आपका रहने वाला है। फर्स्ट आपका ऑफिस अटेंडेंट है, सेकंड सिक्योरिटी गार्ड, थर्ड है आपका ड्राइवर एंड फोर्थ आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर। मतलब 4 पोस्ट की वैकेंसी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप भी इसके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी वाइज सीट, ओवरऑल आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स कि बिहार विधानसभा के अंदर सचिवालय में वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 183 सीट है। तो चलिए देखें कि इन सीट को पोस्ट वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जैसा आपको पहले ही बताया कि 4 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। फर्स्ट पोस्ट है आपका ऑफिस अटेंडेंट का। इसके लिए 54 सीट्स है। क्वालिफिकेशन 10th पास आउट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पोस्ट सिक्योरिटी गार्ड की है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 80 पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन 12th पास रहने वाला है इसका। ड्राइवर यानी चालक के लिए 9 सीट यहाँ पर रखा गया है। इसमें आपको जो एलिजिबिलिटी है 10th पास आउट कैंडिडेट प्लस हेवी मोटर व्हीकल, या आपको जो भी होता है मोटर व्हीकल का आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 40 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन 12th पास आउट। तो आइए अभी हम लोग जान लेते हैं कि फॉर्म की फी चारों पोस्ट के लिए क्या रहने वाला है। तो ऑफिस अटेंडेंट एंड ड्राइवर की पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 400 रुपीज़ ली जाएगी, एससी एसटी से 100 रुपीज़ लिया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए अगर देखें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड अदर स्टेट कैंडिडेट 675 रुपीज़, एससी एसटी 180 रुपीज़ लिया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से लिया जाएगा 600 यानी 600 रुपया, एससी एसटी कैंडिडेट से 150 रुपीज़ यहाँ पर चार्जेस लगने वाला है। सो आई होप कि मैंने आपको जो बताया पोस्ट नेम, पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड फॉर्म फी, ये आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज क्या सीट रखा गया है। ऑफिस अटेंडेंट के लिए आपका जनरल का कोई सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है। बीसी यानी बैकवर्ड कास्ट 15 सीट, ईबीसी का आपका 20 सीट है, एससी के लिए 14 एंड एसटी के लिए 3 सीट्स यहाँ पर रहने वाला है। सिक्योरिटी गार्ड में जनरल का 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट है, बीसी के लिए 19, ईबीसी के लिए 25, एससी कैंडिडेट्स के लिए 20 एंड एसटी के लिए 2 सीट्स यहाँ पर निकल कर आई है। ड्राइवर की पोस्ट की अगर बात करें तो जनरल का कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, बीसी का 2 सीट है, ईबीसी का 4 सीट है, एससी कैंडिडेट्स के लिए भी 2 सीट है और एसटी के लिए कोई सीट नहीं है ड्राइवर के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर जनरल का 11 सीट, ईडब्ल्यूएस का 4 सीट, बीसी का 7 सीट, ईबीसी 9 सीट एंड आपको यहाँ पर एससी का 8 और एसटी कैंडिडेट 1 सीट। आई होप आप कैटेगरी वाइज सीट समझ चुके होंगे। आइए अब हम लोग बात कर ले कि आपका फॉर्म जो है कब से कब तक अप्लाई होगा। तो आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2024 से, लास्ट डेट टू अप्लाई 21 जनवरी 2024 रहने वाला है। मतलब कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 21 जनवरी 2024 रहने वाला है। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है, जितना जल्दी हो फॉर्म अप्लाई कर दो आप, ताकि सर्वर इशू की वजह से बाद में दिक्कत ना हो। आइए अब देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या रखा गया है। तो पोस्ट वाइज अगर बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड का जो एज है ना, एज ऑन 1 जनवरी 2024 मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स रहेगा। अदर जो भी पोस्ट है उसका एज कैलकुलेट होगा एज ऑन 1 अगस्त 2023 मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 37 ईयर्स। अगर सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करें तो बहुत ही सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका। इसमें फ्रेंड्स आपको जो है ओनली आपका रिटन एग्जाम के बेस्ड पे, 1 स्टेज पे है, रिटन एग्जाम पास करो आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी।
वहीं पर ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट के लिए देखें तो इंटरव्यू प्लस एग्जाम होगा। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपका सिंपल सा एग्जाम होने के बाद एक हल्का फुल्का फिजिकल होगा, क्योंकि आपको आगे सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है तो फिजिकल फिटनेस यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। चलिए देख लेते हैं, ऑफिस अटेंडेंट का आपका इंटरव्यू रहेगा 100 मार्क्स एंड एग्जाम 100 मार्क्स का। सिक्योरिटी गार्ड के एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के लिए टाइम विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का रहेगा। मैथ्स का 50 क्वेश्चंस एंड जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। मेरिट वाइज अगर बात करें तो कि आपका मेरिट कैसे बनेगा, किस आधार पे, तो मेरिट इसमें आपका रनिंग यानी फिजिकल के आधार पे बनेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो फिजिकल क्राइटेरिया रखा गया है। हाइट वाइज बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 167.5 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 154.6 सेंटीमीटर। चेस्ट ओनली फॉर मेल 76.5 सेंटीमीटर और उस मतलब जो मैक्सिमम होता है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। रनिंग की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करना होता है। फीमेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। सो ओवरऑल फिजिकल क्राइटेरिया भी आपको डिस्क्राइब कर दिया है मैंने। आइए अब चारों ही पोस्ट के लिए जान लेते हैं कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको कितना सैलरी दिया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 25,500 से स्टार्टिंग होती है एंड आपको आफ्टर पर्स अलाउंस हर साल जो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है उसके बाद 81,100 रुपीज़ आपकी सैलरी हो जाती है। वहीं पर ड्राइवर की पोस्ट के लिए शुरुआत होता है 19,900 रुपीज़ से, 63,200 रुपीज़ बाद में आपको सैलरी दी जाती है। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए 18,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है एंड आपका पर्स अलाउंसेस के बाद 56,900 मतलब 60,000 के अप्रॉक्स बाद में आपको मिलने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 21,700 रुपीज से स्टार्टिंग होती है, बाद में आपकी सैलरी 69,100 रुपीज हो जाती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि बिहार विधानसभा के लिए है तो एग्जाम का सेंटर कहाँ होगा, क्योंकि ऑल इंडिया की वैकेंसी है तो एग्जाम, इंटरव्यू और फिजिकल तीनों ही आप अगर इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट जैसे कि यूपी, झारखंड, पंजाब, हरियाणा कहीं से भी अप्लाई करते हो, बिहार आके आपको इंटरव्यू देना होगा, एग्जाम देना होगा और फिजिकल भी बिहार में ही होगा। और ये सब क्वालिफाई करने के बाद जब आप सर्व करोगे तो बिहार के ही आपको विधानसभा में यहाँ पर आके जॉब करना होगा। सो आई होप कि सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी कुछ क्वेरी, डाउट वगैरह हो कमेंट सेक्शन में आके पूछो। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रेंड्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, तो वहां जाके डाउनलोड करके एक बार थॉरो आउट रीड कर लेना। वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां पे जाके आप फॉलो कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।